नमस्ते बच्चों, आज हम एक नई पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा को अंग्रेजी में हम नाउन कहते हैं। यह आपका छठा पाठ है, तो आइए हम पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नाम को, ठीक है, को नहीं। जैसे अगर मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ, मतलब आपके सामने खड़ी हूँ, तो मेरा शरीर संज्ञा नहीं है, मेरा नाम जो है अंजलि वो संज्ञा है। हैदराबाद जगह का नाम है, हैदराबाद जगह संज्ञा नहीं है, वो नाम संज्ञा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, पिताजी कल अमेरिका जाएंगे, तो पिताजी हो गया बच्चों संज्ञा और अमेरिका हो गया संज्ञा, क्योंकि ये जगह का नाम है। रूपाली आइसक्रीम खा रही है, तो रूपाली और आइसक्रीम ये हो गया आपका संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव, भाव मतलब होता है फीलिंग्स, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तीनों आप ध्यान से समझ लीजिए। व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आता है। जाति, जिससे उसकी जाति का पता चलता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आम, अंगूर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब उसकी जाति का पता चलता है। वृक्ष, अगर मैं एक पेड़ को भी संबोधित करती हूँ तो सारे पेड़ उसमें आ जाते हैं, इससे पेड़ की जाति का पता चलता है। कबूतर, भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स, जिससे आपकी फीलिंग्स निखर कर आए। वो फीलिंग्स अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, हंसना, रोना, उठना, बैठना, चलना, चढ़ना, ये सारे आपके फीलिंग्स हैं। अब आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बच्चों आपको मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि आपके पास जो पुस्तक है और मेरे पास जो पुस्तक है, दोनों में अंतर है, पर विषय दोनों का एक है, इसलिए मैं अपनी पुस्तक से समझा दे रही हूँ। आप अपनी पुस्तक में भी पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज मैं आपकी बुक का ही कराऊंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्यक्ति में ये एग्जाम्पल दिया है, भगत सिंह, लाल बहादुर, रमन, सोहन, इना, मीना, डिका, जो भी आप नाम ले लो। स्थान, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, कोई भी स्थान का नाम ले लो। वस्तु, ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला, ये सारे आपके वस्तु हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, ध्यान दीजिए कि नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है जातिवाचक। जिस शब्द से एक जाति की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको मोर कहा, तो एक मोर का नाम लेने से सभी मोर जाति का नाम आ जाता है। मोर पक्षी, ये प्राणी है। वस्तु में पुस्तक, हवाई जहाज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कलम, मेज, ये सारे आपके वस्तु हैं। स्थान इधर उधर नहीं, शहर, नदी, रेगिस्तान, विद्यालय, ऑफिस, ये सब स्थान हैं, जिससे जाति का पता चले। अगर मैं आपको बोलूं, सपोज मुझे चित्रकला में मैं अच्छी नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, इसलिए हंसिएगा नहीं। ये मान लीजिए ये अंगूर है, ठीक है, लेकिन ये एक अंगूर के गुच्छे से ही सारे अंगूरों की जाति का बोध हो जाता है, क्लियर। अगला है बच्चों भाववाचक। भाव का मतलब होता है फीलिंग, जिससे आपकी फीलिंग निखर के आती है। वो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, आपकी अवस्था, स्वभाव, सबका पता चलता है। जैसे जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये अधिकतर एग्जाम में यही आता है कि भाववाचक शब्द दे देंगे और भाववाचक संज्ञा बनाने को दिया जाता है।
जैसे अगर भाव का क्या हो गया, परोपकार की भावना होनी चाहिए, इंसान में दयालुता की भावना होनी चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, गुण और दोष बुद्धिमान, कमजोर, मूर्ख, चतुराई, अवस्था बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैश्व, स्वाद खटास, मिठास, ये सारे आपके जो हैं ये भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि नानी से उठा नहीं जाता, अगर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि नानी से उठा नहीं जाता, तो यहाँ नानी से उठा नहीं जाता ये भाववस्था है जिससे उनकी बुढ़ापा का पता चलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुढ़ापा के कारण नानी से उठा नहीं जाता, ये हुआ उसके भाववाचक संज्ञा। बच्चों, ऐसे भाववाचक संज्ञा आपके पुस्तक में होंगे, आप उसको लर्न कर लेना, ये तो पुरानी एडिशन वाली बुक है तो इससे ज़रूरत नहीं है। जो भी दिए होंगे क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से, जातिवाचक से, ये सारे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में होंगे उसे आप लर्न कर लेना, ठीक है। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।